हेलो बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सीयूईटी के लिए सबसे पहला चैप्टर डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको मनी और बैंकिंग कंप्लीट पढ़ाया था। आज मैं आपको इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटे बहुत आसान चैप्टर है, एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। आप लोग बहुत आराम से देखिए, छोटी वीडियो होने वाली है और इसमें मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जो बेसिकली आपको सीयूईटी के एग्जाम में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए मैंने उसके डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स को स्प्लिट कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे, इट रेफर टू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। सर, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट? बेटा कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो बेसिकली डबल एंट्री बेस्ड होती है, डबल एंट्री बेस होता है इसका, इसी वजह से इसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये डबल एंट्री बेस्ड है। सेकेंड, विच प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बेटा सीधी सीधी बात है, अगर वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी ही करेगी। ऑल द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑलवेज प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स एंड देन ऑफ ऑल द इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। सारी की सारी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन बेटा जिसके अंदर भी मनी की ट्रांजेक्शन, जो भी मोनिटरी ट्रांजेक्शन है उनके बारे में बात कर रहा है, प्लस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी एक कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होने वाली सारी की सारी ट्रांजेक्शन को जो शो करता है, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मतलब बेसिकली अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो इट इज ओनली अकाउंट विच शोज ऑल द इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन विच आर हेल्ड बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ जितनी भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होती है उन सबका लेखा जोखा जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली सुनो, एग्जाम्पल मान लो ये कंट्री है ए, ये कंट्री है बी, ये है सी, ये है डी। अब ए कंट्री बी से कुछ लेना देना करती है, सी से भी कुछ लेना देना करती है और ए से भी कुछ लेना देना करती है। जो ए कंट्री अपने कंट्री के अंदर इन लेने, जो भी इन्होंने लेना देना किया है उन सबको रिकॉर्ड करेगी, उस रिकॉर्ड्स को बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली ऑल फॉरेन ट्रांजेक्शंस हेल्ड बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ये एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बेटा इसमें ना एक टाइम गिवन पीरियड होता है, बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, और कोई भी चीज जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, और कोई भी चीज जो एक पॉइंट में मेजर की जाती है दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। इससे भी एमसीक्यू बनते हैं, आप लोग इसको ध्यान से सीखेंगे। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली दिखता कैसे है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी जो देखने में आएगा वो इस तरह का होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको इस तरह का दिखेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर दो साइडें दिख रही होंगी आपको, एक साइड दिख रही है आपको देखो डेबिट, एक दिख रही है क्रेडिट, ऐसे इधर भी दिख रही है डेबिट, इधर दिख रही है क्रेडिट। तो पहले हम इन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर, इट हैज टू साइडेड। बेटा देखो, आपने अभी भी देखा ना, एक डेबिट साइड थी और एक क्रेडिट साइड थी। बेटा डेबिट साइड में क्या चीज रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं आउटफ्लोज, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होते हैं? दैट इज इनफ्लोज। सर, किस चीज का इनफ्लो, किस चीज का आउटफ्लो? बेटा इनफ्लो जो बेसिकली मॉनेटरी इनफ्लोज है, बेसिकली फॉरेन करेंसी जब हमारे कंट्री के अंदर इनफ्लो कर रही होती है इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, और जब भी फॉरेन करेंसी आउटफ्लो कर रही होती है दैट इज नोन एज आउटफ्लोज, वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इससे आगे चलते हैं नोट, एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड? बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। पता क्यों? क्योंकि ये डबल एंट्री बेसिस होते हैं, तो जो भी चीज डबल एंट्री बेसिस है उसको हम लोग बेसिकली हमेशा बैलेंस करते हैं। कोई भी अकाउंट होता है, आप लोगों ने कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट है, कुछ आर्ट्स के, उन्होंने अकाउंट्स देखे हुए हैं रियल लाइफ में, तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको एक टाइम के बाद बैलेंस कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये बीओपी हमेशा बैलेंस होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसके तीन सिचुएशन पॉसिबल है। फर्स्ट इज सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी कब होता है? जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है डेबिट साइड से। डेफिसिट बीओपी, जब क्रेडिट साइड कम रह जाती है डेबिट साइड से। और बैलेंस बीओपी, बेटे जब हमारी क्रेडिट साइड इक्वल होती है हमारी डेबिट साइड के। तो बेसिकली ये इकोनॉमी की तीन सिचुएशन है, दैट इज सरप्लस बीओपी जब हमारे पास इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होगा, डेफिसिट बीओपी जब हमारा आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा होगा, और बैलेंस बीओपी में जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये इसका छोटा सा स्ट्रक्चर था, आपको समझ आया होगा। इससे आगे चलते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ बीओपी। बीओपी के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं? बेटे ध्यान से देखना, बेसिकली बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट है वो बेसिकली चार कंपोनेंट है। फर्स्ट विजिबल, सेकेंड इनविजिबल, थर्ड यूनिलेटरल एंड फोर्थ कैपिटल। बेटे चार आइटम है, लेकिन इन चार आइटम को हमने दो टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट
एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। बच्चे ध्यान से देखना करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। देखो ऑल काइंड ऑफ विजिबल ट्रांजेक्शन दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मशीनरी ये सारी की सारी दैट इज कंसिडर्ड एज विजिबल आइटम्स। ठीक है इनको हम देख सकते हैं इनको देखा जा सकता है ट्रांजेक्शन को होते हुए। इनविजिबल ट्रांजेक्शन में आएंगे बेसिकली सर्विसेज और यूनिलैटरल दैट इज वन साइडेड ट्रांजेक्शन। सर समझाओ देखो लाइक डोनेशन गिफ्ट ग्रांट्स ये सब बेटे इन्हें बोलते हैं यूनिलैटरल पेमेंट्स। तो ध्यान रखना बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के चार कंपोनेंट है विजिबल इनविजिबल यूनिलैटरल। इन तीन को तो हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं दैट इज करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम सिर्फ कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सर कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन कौन सी होती है देखो तो बहुत सिंपल तरीके से समझो एसेट्स या तो बढ़ेगी या घटेगी या फिर लाइबिलिटीज या तो घटेगी या बढ़ेगी। किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर अगर ये फीचर पाए जाते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जैसे कि देखो बोरिंग्स मान लो एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री से बोरो कर लिया बोरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बेसिकली देखो किसी भी कंट्री ने बोरो किया या हमने किसी से बोरो किया तो इसे बोलेंगे बोरिंग। बेसिकली हम जो बोरो करते हैं उसे बोलते हैं बोरिंग्स और हमने किसी को दिया ऐसा दैट इज लेंडिंग्स। ठीक है एक है बेटे बोरिंग्स एक है लैंडिंग्स। देखो बोरिंग से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई लैंडिंग से असेट्स इंक्रीज हो गई। इसी तरह से रीपेमेंट ऑफ लोन मैंने अपने लोन की रीपेमेंट कर दी रीपेमेंट ऑफ लोन से लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। इस तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन है एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट्स और डिसइन्वेस्टमेंट। बेटे इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट ये दो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इससे भी हमारी असेट्स जो है देखो इन्वेस्टमेंट से असेट बढ़ेगी डिसइन्वेस्टमेंट से असेट कम हो जाएगी। ये हमारे कुछ बेसिक पार्ट थे। अब एक छोटा सा टॉपिक और आगे करेंगे इसी में दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। सर ये क्यों बनाया था बेटे ये मैंने आपको इससे पहले जो स्लाइड देखी थी आपने उसको शो करने के लिए बनाया था। आप लोग इसको ध्यान से देखो डेबिट क्रेडिट याद रखना डेबिट में सारी नेगेटिव ट्रांजेक्शन जाती हैं जो आउटफ्लो को शो करती हैं और क्रेडिट में सारी की सारी पॉजिटिव ट्रांजेक्शन जाती हैं जो इनफ्लो को शो करती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को दो टुकड़ों में क्लासिफाई किया जाता है फर्स्ट इज पोर्टफोलियो एंड सेकेंड इज एफडीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज एफडीआई। सर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है देखो बेटा जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर या एक कंट्री की कोई कंपनी किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है ओनली इन शेयर्स मींस यहां पर एक कंपनी ने दूसरी कंट्री में जाकर काम नहीं किया सिंपल वहां की जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके अंदर जाके इन्वेस्टमेंट की और वहां के शेयर परचेज कर लिए दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंड इज एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंपनी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश की कंट्री में जाती है और वहां जाकर डायरेक्टली अपना सेटअप लगाती है इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक था इससे पहले वाली स्लाइड से जो लिंक था देखो मैंने जो आप लोगों को ये पढ़ाई थी यहां पर जो इन्वेस्टमेंट था डिसइन्वेस्टमेंट था उसी का एक पार्ट मैंने कंटिन्यू किया। इससे आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे अब बात करते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की। बेटे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन को और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को समझने के लिए आपको जरा 2 मिनट पीछे आना पड़ेगा और आपको एक स्लाइड देखनी पड़ेगी। देखो हमारा करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है प्लीज ध्यान से सुनना सारे बच्चे। देखो करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। देखो मान लो ये एक साल है इस पूरे साल एक कंट्री ट्रांजेक्शन करती गई और उसका जो मोटिव था ओनली अर्निंग प्रॉफिट था। वो ट्रांजेक्शन हो सकता है विजिबल हो इनविजिबल हो और यूनिलैटरल हो और कैपिटल हो कोई भी ट्रांजेक्शन हो मैंने रिकॉर्ड की होंगी। जो जो ट्रांजेक्शन विद ए प्रॉफिट मोटिव पूरे साल में मैंने किए हैं एक कंट्री ने पूरे साल में जो भी लेन देन किए हैं विद ए मोटिव ऑफ प्रॉफिट ओनली दैट इज नोन एज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। और बेटे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की गई सर ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है देखो बेटे सुनो
जब आप पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन करते हो उसके बाद आप इस करंट अकाउंट को बैलेंस करते हो और फिर इसको भी बैलेंस करते हो, और कभी कभी ये दोनों बैलेंस होते नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। बेसिकली मैं कह सकता हूं या तो सरप्लस आ जाता है या डेफिसिट आ जाता है, दोनों की दोनों सिचुएशन में मुझे इस अकाउंट को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजेक्शन मैं परफॉर्म करता हूं दैट इज नोन एज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अब देखिए जरा आगे देखें, देखो ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन सिंपल प्रॉफिट मोटिव, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन ओनली फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकेंड, इट इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, इट इंक्लूड्स ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इट इज नोन एज अबाउ द लाइन ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन। इससे भी एमसीक्यू बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपको बस ध्यान से समझना है इसका बेसिक डिफरेंस है। इस ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन को अबाउ द लाइन ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना इसका, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को पढ़ते हुए ध्यान से देखना है, हमें पढ़ना है सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूंगा किसी देश का एक्सपोर्ट में से माइनस कर दो इंपोर्ट को, तो हमारे पास निकल के आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड की तीन सिचुएशन है, डेफिसिट बीओपी बीओटी, सरप्लस बीओटी एंड बैलेंस्ड बीओटी। बट डेफिसिट बीओटी कब होगा, जब एक्सपोर्ट कम रह जाएगा इंपोर्ट से। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा इंपोर्ट से। और बैलेंस कब होगा, जब एक्सपोर्ट बराबर हो जाएगा इंपोर्ट के। बस बच्चों इतना सा एक टॉपिक था, छोटा सा एक आसान सा चैप्टर। इसके साथ आप बैठो और खूब सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, जितने आपके एमसीक्यू हो जाएंगे उतना आपका ये चैप्टर मजबूत होता चला जाएगा। बाकी आपको जो भी डाउट रहेगा उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9818322877।